नमस्कार दोस्तों, बाइसेल सिग्नल सॉफ्टवेयर में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे हमारे सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली काम कैसे करता है। आप सभी लोग जानते ही है, पहला कंडीशन होता है कि जब सेल सिग्नल के बैक में अगर डाउन साइड ब्लू एरो बनता है तो सेल सिग्नल परफेक्ट बन जाता है, कंफर्म बन जाता है और डेफिनेटली नीचे जा पाएगा। इसी तरह बाई सिग्नल बनेगा तो बाई सिग्नल के बैक में एक ऊपर की साइड का एरो बनेगा तो ही हम बाई के अंदर काम करेंगे। पर कभी कभी सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा भी बनता है कि वो 10 सिग्नल में से 2 से 3 सिग्नल में ऐसा बना सकता है कि सेल सिग्नल दे दिया, कन्फर्मेशन एरो नहीं आया, पर मार्केट आगे चला गया। आगे चला गया तब सॉफ्टवेयर को पता लगा कि इसमें ट्रेड करना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, एक डाउन साइड ब्लू एरो यहाँ पर आपको ब्लैंक करेगा। तो आपको क्या करना है, उसकी अगली कैंडल में आपको ट्रेड करना है और तब आपको यहाँ से ट्रेड कर देना है और उसका जो रैली आगे का है वो ले लेना है। वैसे ही तरह बाई सिग्नल बन गया, कभी कभी ऐसा भी कर सकता है कि बाई सिग्नल बन गया, आगे गया और आगे जाकर आपको ब्लू एरो यहाँ पर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाई सिग्नल में आप आगे जाकर यहाँ से ट्रेड करिए, क्योंकि तब जब बाई सिग्नल बना तब ये सॉफ्टवेयर को पता नहीं था कि ये सही है। तो आपको उसकी नेक्स्ट कैंडल से ट्रेड करना है और जो रैली निकलती है उसके आगे की वो लेकर निकल जाना है। पर अगर सेल सिग्नल पहले से ही मोस्ट ऑफली कंफर्म है तो ये पूरा रैली का बेनिफिट आपको मिलेगा। कभी कभी सॉफ्टवेयर में अगर आपको इस सॉफ्टवेयर में ट्रेड करना है तो सम रूल्स आपको फॉलो करना है, डेफिनेटली करना है। अगर नहीं करना है तो सॉफ्टवेयर में काम मत करिए। वो रूल्स क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी मार्केट में बाई सेल बाई सेल बाई सेल बन जाता है, डेफिनेटली बनेगा, और वही आपको फंसाने का एक मेन ट्रेंड होता है जो ऑपरेटर आपके सामने रख देते हैं। कौन से फ्लो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ बाय आया, ऊपर गया, नीचे गया, बाई सेल बनाएगा, पर उसके बाद एक सही सिग्नल बनेगा और पूरा रैली बनाकर आपके सामने रख देगा, पर आप उसको उस रैली को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो सॉफ्टवेयर का फर्स्ट रूल्स है कि सभी सिग्नल जो भी आता है वो डेफिनेटली आपको लेना है, और जब फेल होता है तो आपको उसके अगले सिग्नल में डबल क्वांटिटी करना डेफिनेटली है, तो ही आप लोग प्रॉफिट ले सकेंगे। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो आप लॉस कर बैठेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि ये बाई सिग्नल परफेक्ट है तो आपने यहाँ पर ट्रेड किया, डीएलएफ है, मान लीजिए इसमें आपको 5 पॉइंट का लॉस हो गया। तो यहाँ 100 क्वांटिटी में अगर आपने ट्रेड किया है तो उसकी नेक्स्ट जो सिग्नल आएगा उसमें 200 क्वांटिटी में काम करिए। अगर ये भी मान लीजिए शायद फेल हुआ तो उसके अगले सिग्नल में 400 क्वांटिटी होनी चाहिए, उतना इन्वेस्टमेंट आपके पास होना चाहिए, तो ही इसमें ट्रेड करिए, वरना मत करिए, क्योंकि अगर करेंगे तो ये लॉस हो जाएगा आपको। तो डेफिनेटली आपको अगले सिग्नल में डबल क्वांटिटी में काम करना चाहिए, तो ही आप इस सॉफ्टवेयर पर काम करिए। और जो भी सिग्नल अगला हिट होगा वो ये सभी सिग्नल का रिकवर आपको दे देगा। तो आज हमने सॉफ्टवेयर की जो नेगेटिव बात है वो सब आपको बताई है। वैसे ही ट्रेड करना है, कोई सॉफ्टवेयर वाला आपको बोलेगा कि ऐसे काम करेगा, ऐसे परफेक्टली काम करेगा, ऐसा नहीं होता है। सॉफ्टवेयर की कुछ एक्यूरेसी लेवल होती है, 70% 80% तक एक्यूरेसी दे सकता है, पर वो 30% 10 में से 3-4 सिग्नल जो फेल होते हैं वो भी हम रिकवर कर सकते हैं। पर ये रूल्स आपको फॉलो करना है, रूल्स अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपको लॉस हो सकता है, आपको होगा ही। यहाँ सेल दिया गलत हुआ तो अगले सिग्नल में डबल होना ही चाहिए और सभी सिग्नल डेफिनेटली लेना ही है। अगर नहीं लिया, नहीं लेते हैं आप लोग, आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो सॉफ्टवेयर में डेफिनेटली आपको काम नहीं करना चाहिए, अपने आप भी काम नहीं करना चाहिए, ट्रेडिंग छोड़ देना चाहिए, आपको डेफिनेटली लॉस होगा। तो अगर स्ट्रिक्टली ये सिग्नल को फॉलो करना है तो ही काम करिए, तो ही सॉफ्टवेयर लीजिए, वरना मत लीजिए।
अगर कोई अगली इन्फॉर्मेशन होगी अगले वीडियो में, तो मैं अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।